अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू द यूसुफ रिज़वी यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत खुश हूँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर मी बिकॉज द आर चैनल एंड आई वुड नॉट से कि सिर्फ मेरी वजह से बट आप लोगों की वजह से चैनल होता है क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं और उसकी वजह से चैनल ग्रो करता है। बट वॉट आई वुड लाइक टू हियर इज कि आज हमारे एक्चुअल चैनल की बेसिस की वजह से we have been able to help a person abroad, जो पाकिस्तानी थे, जो मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान आना चाह रहे थे और उनके हमने टाइम प्लस आई बिलीव थाउजेंड्स ऑफ पाउंड हमने सेव किए हैं। एंड आई टेल शेयर द स्टोरी विद यू। व्हाट हैपेंड वाज के जिस तरह मैंने वीडियो पहले शेयर की थी और वो लिंक मैं आपको पास यहाँ पर ऊपर टॉप पे आ रहा होगा, जहां मैंने बताया था कि पाकिस्तानी सिविल एविएशन की अथॉरिटी की बेसिस पे जो यूके में लोग हैं वो पाकिस्तान जब पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन लॉन्च किया है उसके मुताबिक वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो पाकिस्तानी जिनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, जो बिजनेस वीजा या स्टडी वीजा पर है या टूरिस्ट वीजा के ऊपर गए हुए, वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। तो दिस आई वुड से हमारे बहुत मतलब रेगुलर जो है वो व्यूअर हैं ऑफ आवर चैनल। सो ही वॉज एट लंडन हीथ्रो एयरपोर्ट, कतर एयरवेज से वो ट्रैवल करते हैं, वो चेक इन डॉट पी के यूजर भी हैं, ही बुक्स हिज फ्लाइट्स फ्रॉम चेक इन डॉट पी के ऑलवेज, मीन दैट्स द ट्रस्ट दैट ही हैज। सो आई पर्सनली न्यू हिम एंड ही मैसेज्ड मी एंड सेड कि जी मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ और मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे उस पर पता लगा कि आप जो है मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ, मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ लेकिन मुझे बोर्ड नहीं करने देते। सो आई वॉज शॉक्ड, आई सेड हाउ इज इट पॉसिबल। वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उसी सेकेंड मैंने उनको व्हाट्सएप किया, वो फ्लाइट पे अपने चेक इन काउंटर पे गए, उनको जाके उन्होंने वो टिकट काउंटर पे जाके अपनी दिखाई अपना वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, उन्हें कहा कि आप लोग मुझे बोर्ड करने दे रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो ये नोटिफिकेशन है। उसके बेसिस पे दे चेक, दे गॉट बैक टू हिम एंड सेड ओके नाउ यू कैन बोर्ड एंड दिस पर्सन इज नाउ फ्लाइंग बैक टू पाकिस्तान। उसके जो मतलब जो मैंने एक खुशी फील की उनकी आवाज में और हैप्पीनेस के साथ उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यार आई एम सो हैप्पी कि दिस हैपेंड because it not only saved his time plus the cost of transportation staying everything that he was would have spent in line and he said ki main to 4 se pehle aa hi nahi sakta to mujhe to agle aap 5 ke 6 ki flight book kare aur uske baad mujhe nayi flight pe aana padega to my team was very helpful and they were about to book it for him but then this happened so I'd just like to share this information with you I think this is absolutely amazing I would like to thank all of you for sharing this agar aapne video nahi dekhi aur un logo ko जो आपके दोस्त हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो बाहर लंदन गए हुए हैं और उनके साथ ये ऐसा इंसिडेंट हो सकता है या हो रहा है, उनके साथ प्लीज शेयर करें बिकॉज दिस कैन सेव पीपल मनी एंड एज एग्जाम्पल में शो हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल, आई विल कीप ऑन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद यू जो आपका पैसा भी सेव करे, आपको टाइम करे, आपको इन्वेस्टमेंट के आइडियाज अच्छे बता सके एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो कीप सब्सक्राइबिंग and sharing it with your friends and thank you very much. Take care.